जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा के ज्योतिषीय सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी तक का सप्ताह विभिन्न राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते के सितारे बहुत से लोगों के लिए शुभ रहेंगे। चंद्रमा धनु से कुंभ राशि तक जाएगा, वहीं बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन से कुछ लोगों को धन का लाभ हो सकता है। बुध के शुभ प्रभाव से अचानक धन लाभ हो सकता है और बिजनेस में कई बड़े फायदे होने की संभावना है। इसके साथ शुक्र के शुभ प्रभाव से इनकम का बढ़ना लाजमी है। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव से कुछ लोग बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। सितारों की इस स्थिति से सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। इस तरह जॉब और बिजनेस में अच्छे बदलाव वाला समय रहेगा। वहीं कुछ लोग अशुभ ग्रहों के कारण परेशान हो सकते हैं। तो देख लेते हैं 15 जनवरी से 21 जनवरी तक धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा और गोचर कुंडली के चौथे भाव तक जाएगा। इन दिनों में अचानक होने वाले घटनाक्रम आपके संबंधों पर गहरा असर डाल सकते हैं। सेहत और संबंध अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस में फायदा हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ा फायदा भी होने के योग हैं या ऐसी स्थिति बन सकती है। आप ज्यादातर समस्याओं पर आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। किसी तरह का जोखिम भी लेने से बचना होगा। कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। घरेलू कामकाज में बदलाव होने के कारण आपकी दिनचर्या और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र के साथ साथ योजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम समय पर होने से आप खुश हो सकते हैं। लव लाइफ देख लीजिए कैसी रहेगी। लव लाइफ में सावधान रहें और पार्टनर से झूठ ना बोलें, वरना आपके संबंधों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। छोटी बातों को अनदेखा ही कर दें, वाणी पर संयम रखें। करियर देख लेते हैं कैसा रहेगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस को लेकर कोई उथल पुथल भी हो सकती है। काम समय पर न होने से तनाव बढ़ सकता है। हेल्थ का पायदान देख लेते हैं कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए सेहत में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे। ये 7 दिन सामान्य रहेंगे। हल्का सिर और बदन दर्द हो सकता है। भगवान आपका ये सप्ताह शुभ रखे। नमस्कार।